वो पाकिस्तान के जो अपनी तकमील से पहले पैरों में गुलामी की जंजीरें, हाथों में मजलूमियत की हथकड़ियां और गर्दन में रसने जुल्म ज़्यादती जबरो तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा हुआ था। मुझे याद है मेरी आजादी की वो रात कि जब मेरे वजूद के लिए आवाज उठाने वाले जवानों की लाशों को जलाया गया, मेरी आंखों के सामने कई माओं की गोदें उजाड़ी गई, मेरी आंखों के सामने कई बच्चों को यतीम किया गया। अरे ज़ईफ़ बूढ़ों ने अपने कमजोर कांधों पर जवान बेटों के लाशें उठाई। तब कही जाकर मैं पाकिस्तान आजाद हुआ, मगर अफसोस के जनाब की आंखें बंद होते मेरी सरजमीन पर से पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाला जज्बा कहीं दम तोड़ गया और मैं पाकिस्तान चिल्लाता रहा कि कई बरसों बाद ये खुशियां हमने मनाई थी। अरे जंजीरें बातिल तोड़कर आजादी हमने पाई थी। मैंने देखा कि अपने मकान के लिए मेरा एक बाजू मशरकी पाकिस्तान काटा गया, मेरे सीने पर ये महाजिर वो पठान ये बलोची और वो सिंधी का खेल खेला गया, मेरी अपनी सरजमीन पर मेरे अपनों की लाशों के अंबार लगाए गए, मेरा परचम की आग में मेरा सब सिलाई परचम कहीं गुम हो गया। मैं पाकिस्तान चिल्लाता रहा कि जंजीरें बातिल तोड़कर आजादी हमने पाई थी। वो सरजमीन कि जिसको जनाब या अब्दुल इंसाफ के उसूलों पर बनने वाला मुल्क बनाना था, वो इंसाफ का मकतल बना, वो सरजमीन कि जिसको जनाब या गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बनने वाला मुल्क बनाना था, वो फकत 2% हुक्मरान तबके की फलाह व बहबूद के लिए बनने वाला मुल्क बना, जहां इख्तदार के भूखे भेड़िए मुल्क की बोटियां नोच नोच के खाने में मसरूफ है, जहां सूबा परस्ती की लानत को मिल्लत के गले का हार बनाया जाता है, जहां मिल्लत पैदा की अजमतों के अमीन और रसूल हाशमी के जानशीन मिंबरों मेहराब से फिरका परस्ती के गोले बरसाते हैं। अरे जिस मकसद के लिए कायद ने पाकिस्तान बनाया था, आज उसी के मकसद पे हुकूम उसी मकसद के हुकूम पर छुरी चलाई जाती है। एक जानिब नारे लगा लगा कर मुझे जिंदाबाद किया जाता है तो दूसरी जानिब मेरी तमाम कुर्बानियों को मलियामेट किया जाता है, एक जानिब मेरा नाम फिरते जमा है तो दूसरी जानिब मेरी शहरत पर खंजर रवा है, एक जानिब मेरी अजमतों का भटोरा पीटा जाता है तो दूसरी जानिब पाक सरजमीन के बाशिंदों, ऐ कश्ती मिल्लत के निगहबानों,